इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, चर्चा कराने से वो बिचक क्यों रहे हैं? आज के हालात में मणिपुर से बड़ी कोई समस्या है क्या देश में, जहाँ लोग मारे जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी चुप है, वो प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बातों में ट्वीट करते हैं भटकाने के लिए, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने ये दंगे कराने शुरू करा का ये साफ इंडिकेशन है, सुझाव है कि ऐसे आयोजनों में हथियार लेकर कोई ना जाए। तो ये सरकार क्या कर रही थी? चेयरमैन भी हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं किसी को डिपेंड नहीं करता हूं। आड़ी, आड़ी। मगर अभी भी एक लॉक जैम की सिचुएशन बनी हुई है, कैसे देखते हैं? पार्लियामेंट में, राज्यसभा में रूल 267 इसलिए है कि देश में कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए उस पर विपक्ष यदि ये अनुरोध करता है कि आप सारे नियम के शिथिल करते हुए प्रश्नकाल व सरकारी कामकाज इसे स्थगित करके आप चर्चा कराइए, ये नियम 267 है। अब आप मुझे बताइए, आज के हालात में मणिपुर से बड़ी कोई समस्या है क्या देश में, जहां लोग मारे जा रहे हैं? डबल इंजन सरकार खुद उसमें एक पार्टी बन चुकी है, चारों तरफ से मांग आ रही है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप है। वो प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बातों में ट्वीट करते हैं, इतनी बड़ी घटना होने आने के बाद भी वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, चर्चा कराने से वो बिचक क्यों रहे हैं? और लोगों का ध्यान अब भटकाने के लिए भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने ये दंगे कराने शुरू करा दिए। नू में जो दंगा हुआ, सर मणिपुर की आग नू में है क्या जी? मणिपुर वाली आग नू पहुंच गई है? देखिए, मैं नहीं कहता कि पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन ऐसा कौन सा धार्मिक आयोजन था आज जिसके लिए जुलूस निकाला था? और मेरा एक ही प्रश्न है कि अदालत का ये साफ इंडिकेशन है, सुझाव है कि ऐसे आयोजनों में हथियार लेकर कोई ना जाए। तो ये सरकार क्या कर रही थी? हथियार AK-47 वहाँ दिख रही है, तलवारें, बंदूकें, पिस्तौल दिख रहे हैं, ये कौन सा धर्म है जो इस प्रकार के आयोजन में आप शामिल हो? मैंने क्यों सर, जो मोनू मानेसर है टीवी चैनल को इंटरव्यू देता है, लेकिन पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। मैं नहीं मान जानता कौन मेन अक्यूज है कौन नहीं है, मैं इतना जानता हूँ कि इस देश में जनहित के मामलों पर से जो ध्यान होना चाहिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, असमानता बढ़ती जा रही है, उसको छोड़कर आज इस प्रकार के दंगे फसाद करा के वो सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जिस तरीके लाल पटेल या B.R. अंबेडकर वो लोग फेवर में नहीं थे फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड के, अभी जब डिस्कशन हो रहा है अमित शाह ने ये कहा है, आप कैसे कि फुल फ्लेज स्टेटहुड के पक्ष में नहीं थे? ना ना जवाहरलाल नेहरू ना B.R. अंबेडकर। चर्चा हो रही है कि चुनी हुई सरकार का पूरा मुख्यमंत्री का सारा अधिकार वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रहे हैं, वो क्या उचित है क्या सर? कल इस ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या पड़ी? तो ये हमारे साथ दिग्विजय सिंह थे, जिन्होंने लगातार सरकार पर सरकार को घेरने का काम किया, सरकार की जो खामियां हैं उस पर नज़र डाली है। यहाँ पर जंतर मंतर पर जो है आदिवासी बचाओ के नारा के साथ जो है पर तमाम लोग मौजूद हैं, आदिवासी कांग्रेस के समाज जो सभी लोग मौजूद हैं उसी में जो है दिग्विजय सिंह यहाँ पर आए हुए थे, उपस्थित हुए थे और सरकार को साफ तौर पर घेरने का काम किया। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ड्यूटी ग्रीज जनहित आवाज़।